नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैशियन क्लास में। दोस्तों, पूरा नंबर सिस्टम मैंने करा दिया है और नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं मैं करा चुका हूं, और आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आऊँ अगला आपका चैप्टर घातांक और करणी, और घातांक करणी के जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले केवल इतना कहूँगा, यदि आपने अभी तक वीडियो हमारा शेयर नहीं किया है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं एक एक करके पूरे पैटर्न को, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए दोस्तों, घातांक और करणी में पहले थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि किसी संख्या पर पावर लगी हुई है, ठीक है, 3 है, या किसी संख्या पर 8 है, ठीक है, तो ये तो कहलाती है इसकी घात। ठीक है, और करणी होती है दोस्तों ये, ठीक है, करणी होती है ये। ठीक है, तो अब आपको केवल पैटर्न समझना है। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि घातांक और करणी होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में किस बेस्ड पर SSC हुआ या फिर अदर कोई एग्जाम हुआ तो आपके लिए कैसे क्वेश्चन वो रखता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके पूरे पैटर्न को समझेंगे और पूरी ट्रिक के साथ हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले दो क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। क्वेश्चन है आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें क्या अंतर है दोस्तों कि ये जो रूट फाइव है वो इनफाइनाइट तक है। कितने तक है दोस्तों? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और यहाँ जो रूट फाइव है यहाँ आपका एक सीमित स्थिति तक है। ठीक है, तो दोनों पैटर्न को समझते हैं, और दोनों पैटर्न को पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने बचपन में देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को स्किप ना करें कि सर ट्रिक नहीं बता रहे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते तो ट्रिक खुद बना पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या। अगर दोस्तों मैं कहता कि माना, आपको पूरा डीपली थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा, माना x बराबर ये √5, फिर √5 और फिर √5 और फिर √5, कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता, अगर मैं बचपन में क्या करता था तो क्या करता था कि मैं करता था दोनों बोथ साइड स्क्वायर करता। क्या करता? बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करता तो ये स्क्वायर हो जाता, यहाँ ये जो स्क्वायर है वो इस प्रकार से लग जाता। ठीक है, एक स्क्वायर से एक रूट कट जाता तो आपकी ये वैल्यू आ जाती। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट तक है, आपकी वैल्यू आ जाती इस प्रकार से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब मैं बराबर करता तो यहाँ 5, और इसको पूरे को मैंने माना हुआ था यहाँ पे एक्स। ठीक है, इसको माना हुआ था एक्स। मैं आपको बताता हूँ टर्म कैसे निकल के आता है, ट्रिक कैसे बनती है। ठीक है, तो हम क्या करते दोस्तों, इसको इस प्रकार से इसको इधर ले लेते, उधर 0 छोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो फिर क्या करते थे, x कॉमन लेते और x माइनस का 5 ले लेते, बराबर हो जाता 0। ये 0 हो जाता इसमें जाके, तो x माइनस 5 बराबर आ जाता 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाता 5। अब देखिए, इससे आपको कुछ समझ में आया, इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ जितना दिया हुआ होगा, इनफाइनाइट अगर लगा हुआ है, यहाँ जितना दिया होगा उसका आंसर उतना ही होगा। ठीक है, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल आपको समझाया ऐसा क्यों होता है, वो आपके लिए ज़रूरी था। अगर वीडियो पसंद आ रहा जल्दी से शेयर कर दीजिए, हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो ये 5 इस प्रकार से आया, तो हमें देखना है कि अगर इस प्रकार से 5 या 6 बार होता, या 5 बार होता, या 7 बार होता और इनफाइनाइट तक होता, उसका मतलब है कहीं तक हो सकता है, इनफाइनाइट का मतलब कहीं तक आपका हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। वही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। 5 दिया है तो 5 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों पैटर्न? यही है मेन कॉन्सेप्ट, और इसी से निकली हुई है ये ट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता, यहाँ होता आपका 6 होता यहाँ पे। ठीक है, कितना होता? 6 होता, फिर यहाँ 6 होता, फिर यहाँ 6 होता, फिर यहाँ 6 होता, फिर एक और बार 6 होता, इनफाइनाइट तक तो यही है, कितनी बार भी हो सकता है। तो उसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों? 6 हो जाता। क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जब रूट में वैल्यू लगी हुई है लगातार, तो उसका इनफाइनाइट तक अगर लगा हुआ है तो उसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है,
अब आपने, मैं बता दूं आपको बहुत ही अच्छी बात, आपने देखा होगा इसकी ट्रिक आपको सब बताती है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाता है कि ऐसा कैसे होता है ट्रिक में। तो ऐसा इसलिए होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ऐसा कैसे होता है कि जो ट्रिक बनी है वो आपकी कैसे बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप डीपली समझते हैं किसी चीज़ को तो आप लाइफ टाइम उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है? अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। अब देखिए, आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये कितनी बार है। इनफाइनाइट का मतलब था कितनी बार भी हो सकता है। यहाँ है कि ये आपको देखना है ये कितनी बार दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार दिया हुआ है, ठीक है? और रूट कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार रूट है, ठीक है? तो आपकी जो ट्रिक बनी है वो कैसे बनी है उसकी बात अभी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद देखता हूँ वो ट्रिक है क्या। देखिए दोस्तों, अगर मैं रूट कितनी बार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या है कि रूट के जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, आप जानते हैं। तो कितनी बार दिया हुआ है? 5 बार। तो 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, ठीक है? फिर 1/2 और फिर 1/2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। कितना हो जाएगा? 32। और प्रॉपर जो 1/2 निकलता है वो किस में से निकलता है? 1 में से। हम यहाँ से 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है 32 माइनस का 1/32। तो यहाँ आ जाता है आपका 31/32। तो इसकी जो आंसर आता है वो क्या आता है? यहाँ पे कितना है? 5 है, तो यहाँ लिखते हैं हम 5 और ऊपर आ जाता है 31/32। आप सोच रहे होंगे सर इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूँ इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, ये केवल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से निकल के आया है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है? मैं आंसर को भी यहाँ से रफ कर देता हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, ये गिनना है कितनी बार 5 दिया हुआ है। कितनी बार दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार? 5। तो 2 पे पावर आप 5 लगा दें, ठीक है? तो 2 पे पावर आप 5 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और 32 से आपको 1 कम करना है, 32 से कितना करना है? 1 कम करना है, वो हो जाएगा आपका 31, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, फिर इस 5 जो यहाँ 5 दिया है उस पर 5 पे पावर 31/32 लिख देना है, ये आपका आ जाएगा आंसर। 5 पे पावर 31/32 आपको लिख देना, ठीक है? तो ये तो है बेस जहाँ से क्वेश्चन की ट्रिक निकल के आई है, ठीक है? अब जरूरी नहीं आपका यहाँ 5 होता, अगर मैं इसको रफ करके, आप फिर कन्फ्यूजन ना करें कभी, ठीक है? इसको रफ करके आप ये सोचे कि 5 5 है इस वजह से 2 की पावर 5 लगाइए, ठीक है? अगर मैं इसको रफ कर दूँ तो फिर मैं अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, ठीक है? तब भी क्या 1, 2, 3, 4, 5 बार 7 दिया, फिर भी आपको 2 पे पावर 5 ही लगानी है। 2 पे पावर 5 का मतलब कितना था? 32, उससे 1 कम किया 31। अब ये जो आता है वो आपको यहाँ जो वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, उस पर आपको पावर लगानी होती है, ठीक है? तो ये होगी आपकी ट्रिक और वो था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए जल्दी जल्दी से, तो हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है? तो दोस्तों आगे मैंने क्वेश्चन लिख दिए, आगे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब इनमें कुछ चीज़ कॉमन आपको दिख रही होगी, ये दोनों जो हैं वो माइनस के हैं, ये दोनों हैं वो प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल आपको सीधा सीधा से समझना है। क्या समझना है? कि प्लस वाले में क्या करते हैं और माइनस वाले में क्या करते हैं, ठीक है? पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। कितनी दी हुई है दोस्तों? 12 दी हुई है। आप 12 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है? अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीपल करें तो 12 आए, उनको आपस में माइनस करें तो 1 आए, ठीक है? उनका अंतर 1 हो और मल्टीपल 12 हो, तो 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया तो, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है? मतलब डिफरेंस 1 हो और मल्टीपल 12 हो, ठीक है? तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, आप फैक्टर बनाना आसानी से जानते हैं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 3 है और एक फैक्टर बनेगा 4, ठीक है? अब ऐसे ही मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ आपके लिए, ये माइनस वाले का और एक इधर वाले का, पहले प्लस वाले का आपको फैक्टर बना के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ कितना है? 2 है। 2 का मल्टीपल कितना हो दोस्तों?
मल्टीपल दो हो और अंतर कितना हो, एक हो, तो एक इसका फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका कितना, दो बनेगा, दो एक कम दो, और एक बनेगा एक, दो में से गया तो एक, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला है, ठीक है। जो माइनस वाला जो होता है, माइनस वाला जो होता है उसमें आंसर जो होता है वो छोटा वाला होता है, आंसर जो होता है वो छोटा वाला होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा थ्री, ठीक है। प्लस वाला जो होता है, ठीक है, आप अगर समझ पा रहे हैं तो नीचे दिए हुए क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के मुझे बताइए। इसमें जो बड़ा वाला होता है वो इसका आंसर होता है, इसमें बड़ा वाला आंसर होता है, इसमें क्या होता है, आंसर बड़ा वाला होता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू बड़ी होती है वो आंसर होती है प्लस वाले में, और फैक्टर करने के बाद माइनस वाले में जो वैल्यू छोटी होती है वो उसका आंसर होती है। तो इस प्रकार से आपको केवल समझना है। अब देखिए ऐसे ही हो गया, आपका कितना दिया हुआ है, 72 दिया है, कितना दिया है 72 आपका दिया है, ठीक है, 72 दिया है, तो एक फैक्टर हो जाएगा इसका 8 और एक हो जाएगा इसका 9, ठीक है, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 9 हो जाएगा, दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ माइनस का था, ठीक है, इसके ही फैक्टर मैं आपको करके बताता हूँ, 20 यहाँ कितना दिया है ऑलरेडी दोस्तों, 20 दिया है, ठीक है, 20 दिया है, तो 20 के जो मैं फैक्टर निकालूंगा वो एक तो आएगा दोस्तों आपका कितना, 4 4 5 20 होता है, ठीक है, और एक आएगा दोस्तों आपका 5, ठीक है, 4 5 20, और दोनों का अंतर यहाँ एक है, यहाँ दोनों का अंतर एक है, यहाँ दोनों का अंतर एक है, यहाँ दोनों का अंतर एक है। अब देखते हैं इन दोनों में आंसर क्या हुआ। देखिए प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर माना जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है, छोटा वाला है, ठीक है, छोटा वाला आंसर इसका नहीं माना जाएगा प्लस वाले में, इस वाले में माइनस वाला है तो इसका छोटा वाला ही आंसर माना जाएगा, तो आंसर माना जाएगा कितना 8, ठीक है। ये आपको बेसिक तरीके से समझना है, क्या समझना है कि आपका जो माइनस वाला है चाहे प्लस वाला है फैक्टर आपको दोनों के करने हो, इस प्रकार से फैक्टर करने हैं, दोनों का डिफरेंस क्या हो, एक हो, मल्टीपल ये जो हो वो आपका दिया हो, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आएगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन और लिख दिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है इनका करने का, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए दोस्तों जल्दी से, लेकिन दोस्तों अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों आपको पीछे से करना है कि आपको देखते जाना ये किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, इस 12 को इस 52 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 कितने का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों फिर 8 का, ठीक है, फिर ये 8 इसमें जोड़ देने, दोबारा समझ लीजिए, 12 का स्क्वायर 12, फिर 12 को इसमें जोड़ देंगे 64, 64 कितने का 8 का, ठीक है, 8 को फिर इसमें जोड़ देंगे 8 और 28 36 हो जाएंगे, ठीक है, 36 कितने का दोस्तों 6 का, 6 इसमें जोड़ देंगे तो 16 हो जाएंगे, और 16 कितने का दोस्तों 4 का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल सा है। ऐसे दोबारा दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी ऐसे ही 121 कितने का है 11 का, ठीक है, कितने का है 11 का, 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 196, अब 196 कितने का दोस्तों 14 का, ठीक है, अब ये 14 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 64, ठीक है, 64 कितने का है दोस्तों 8 का, ठीक है, 8 का यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा वैल्यू आपका 8 आना था, वो थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है, 8 का, 8 इसमें जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 16, 16 कितने का है दोस्तों 4 का, ठीक है, 4 इसमें जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 16, 16 कितने का 4 का, आपको लास्ट तक करना है, ठीक है, लास्ट तक आपको क्या करना है, सिंपल करना है, इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं रिपीट करके समझा देता हूँ, ठीक है, देखिए कैसे, ये कितने का है दोस्तों आपका 11 का, ठीक है, 11 इसमें जुड़ेंगे 196 हो गए, 196 कितने का है 14 का, ठीक है, 14 कितने के, 14 इसमें जोड़ेंगे 64, 64 कितने का है 8 का, ठीक है, 8 इसमें जोड़ेंगे कितने हो गए 16, 16 कितने का है फिर 8 का है, ठीक है, फिर 8 इसमें जोड़ेंगे, सॉरी 16 कितने का है 4 का है, ठीक है, 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 16, और 16 कितने का लास्ट में 4 का, तो ये आपका आंसर आ जाए। आपको पीछे से करते आना है, और पीछे से करते 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 आपको इसमें जोड़ते हुए आना है, ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसा कोई हार्ड पैटर्न नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल की वीडियो को शेयर कर दीजिए।
तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।